हेलो एवरीवन, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले आपको आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा दिया था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर तीन सेक्शंस इंक्लूड करता है, सेक्शन 15, 16 एंड 17। सेक्शन 15 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, यानी कि जो चार्जिंग सेक्शन है उसके बारे में मैंने बता दिया है आपका। अब बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में सेक्शन 17 को लेकर। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी के बारे में, जिसके बारे में बता रखा है आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एनी एन्युइटी और पेंशन, एनी ग्रेचुएटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इनमें सीरियल वाइज की सैलरी में क्या क्या शामिल है। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि सैलरी में बेसिकली क्या क्या मेन चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के कुछ एक कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनको वेतन में इंक्लूड किया जाता है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है वेजेस, यानी कि सैलरी में वेजेस शामिल है। दूसरी चीज़ है आपकी एनी एन्युइटी और पेंशन, अगर कोई वार्षिक की या फिर पेंशन मिलती है व्यक्ति को तो वो भी उसके वेतन में शामिल मानी जाएगी। तीसरी चीज़ है एनी ग्रेचुएटी, तो स्टूडेंट्स अगर कोई ग्रेचुएटी की राशि प्राप्त होती है व्यक्ति को तो वो भी यहाँ पर सैलरी में शामिल होगी। चौथी चीज़ है आपकी एनी फीस और कमीशंस, परक्योसाइड्स और प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, यानी कि कहने का मतलब है अगर उस किसी व्यक्ति को कोई फीस प्राप्त हो रही है, कोई कमीशन मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई रियायत यानी कि परक्योसाइट मिल रही है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे आज इसी लेक्चर में, या फिर बदले में कोई मुनाफा, प्रॉफिट्स इन लियू की बात करेंगे हम लोग आगे, तो अगर ऐसा कोई बदले में कोई मुनाफा मिल रहा है तो ये सभी भी सैलरी में शामिल होगा। नेक्स्ट, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, वेतन का अगर कोई एडवांस लिया जाता है तो वो भी वेतन में ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, यानी कि किसी कर्मचारी को उसके द्वारा नहीं ली गई छुट्टी की किसी अवधि के संबंध में प्राप्त कोई भुगतान। किसी कर्मचारी को मान लीजिए छुट्टी उसने नहीं, उसको मिल अवेलेबल है कि वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन अगर उसने छुट्टी नहीं ली तो उसके बदले में अगर उसे कोई पैसा दिया जाता है तो वो भी यहां पर वेतन में शामिल होगा। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपको बताता है द एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अंडर रूल 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसा मैंने नीचे हिंदी वालों के लिए बहुत सुविधा के लिए मैंने नीचे हिंदी में भी इसे लिख दिया है बच्चों, ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भाग लेने वाले कर्मचारी के क्रेडिट पर शेष राशि की वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जहाँ तक वह रूल 6 पार्ट ए 4th शेड्यूल के तहत कर योग्य है, ऐसी राशि भी वेतन में शामिल होगी। तो आपको इस तरह से केवल एक कीवर्ड याद कर लेना, इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने एक बार आपको क्लास में बताया भी था इसमें, इसके बारे में मैंने डिटेल में कर रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा लॉ स्टूडेंट्स के नज़रिए से, तो इसलिए केवल आप सैलरी के लिए केवल आप ये पॉइंट्स याद करें। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम आगे बात करेंगे 8th पॉइंट की। तो 8th पॉइंट हमें कहता है कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल सम्स दैट आर कंप्राइज इन द ट्रांसफर्ड बैलेंस एज रेफर टू इन सब रूल 2nd ऑफ रूल 11 ऑफ PRTA ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सब रूल 4, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में भाग लेने वाले कर्मचारी को उपरोक्त अनुसूची, जो मैंने अभी आपको 4th शेड्यूल है ना, उपरोक्त अनुसूची में संदर्भित सभी राशियों का योग जो हस्तांतरित शेष राशि में शामिल है। तो इस तरह से ये जो शेष राशि में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा बैलेंस, वो भी यहाँ पर क्या माना जाएगा, आपका वेतन माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज 9th, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD, अर्थात धारा 80CCD के तहत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के खाते में पिछले वर्ष अगर प्रीवियस ईयर में केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया कोई योगदान है तो वो भी यहाँ पर किस में शामिल होगा, जैसे पहले NPS वगैरह में ना इस तरह से, या फिर
जो अपनी तरफ से नियोक्ता योगदान करता है तो वो राशि भी क्या मानी जाएगी, वेतन में शामिल मानी जाएगी। तो मेनली यहाँ मैंने इनको इस 9 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है जो आपको लर्न करना है कि वेतन में ये पॉइंट शामिल होंगे। तो ये तो था स्टूडेंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो मीनिंग ऑफ सैलरी आपको बता रहा था। अब हम बात करेंगे, यहाँ हमने जब सैलरी के अंदर एक शब्द पढ़ा था परक्यूसाइट्स, मैंने कही थी आपसे कि मैं अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में बताऊंगी, तो उसके बारे में हमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बताता है। क्लियरली आप लोगों को ये याद होना चाहिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या बता रहा है आपको, मीनिंग ऑफ सैलरी, जबकि सेक्शन 17 का ही सबसेक्शन 2 आपको बता रहा है मीनिंग ऑफ परक्यूसाइट। इसी तरह हम लोग आगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 देखेंगे जो हमें बताएगा प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग जानते हैं ये परक्यूसाइट यानी कि अनुलाभ क्या होते हैं। तो साधारणतया एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को समय समय पर काफ़ी तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये बेनिफिट्स एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के अलावा होते हैं, ध्यान रखिए उसकी बेसिक सैलरी अलग होती है जबकि ये बेनिफिट्स अलग होते हैं। ऐसे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ अपनी संस्था को एम्प्लॉयज़ को अपनी संस्था में रोके रखने के लिए या मान लीजिए कि उनको मोटिवेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को प्राप्त इन बेनिफिट्स में अब क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, किन किन तरीके की फैसिलिटीज़ भी शामिल हो सकती है, देखिए, ठीक है, कि जैसे एम्प्लॉयर क्या करेगा, उन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, उनको लाइफ इंश्योरेंस संबंधी यानी कि जीवन बीमा की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, लाने ले जाने के लिए कार की फैसिलिटीज़ दे रहा है या फिर मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल करवा रहा है, उनका बिल का पेमेंट कर रहा है, ठीक है, फूड या फिर हेल्पर को कोई फैसिलिटी दे रहा है। तो कई तरीके की सुविधाएं जो है वो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। इन सभी सुविधाओं को एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ा जाता है और इन पर एम्प्लॉय को टैक्स भी देना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग दैट मीन्स कि हम परक्यूसाइट का मतलब अनुलाभ से क्या मतलब समझे, हम यहाँ पे हम यहाँ समझ रहे हैं कि परक्यूसाइट मीन्स एनी बेनिफिट्स अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजिशन इन एडिशन, इन एडिशन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, यानी कि जो प्राप्त होने वाली सैलरी या वेजेस है उसके अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाएं है ये, और उनको दे रहा कौन है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा रहा है। अब कैसे प्रोवाइड करवा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, या तो वो उस उन सुविधाओं को बिल्कुल उसको निःशुल्क दे रहा है या फिर वो उनको कम फीस में दे रहा है, ठीक है, कंसेशनल रेट में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम लोग और देखते चलते हैं, ये तो हुई देखिए परक्यूसाइट्स की बात जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में हमने देखी, एक छोटी सी चीज़ यहाँ और एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें कि डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेज एंड परक्यूसाइट्स, कि भत्तों और अनुलाभों में क्या अंतर है, तो देखिए अलाउंसेज आर इन एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट, ध्यान रखिए अलाउंसेज जो होते हैं यानी कि जो भत्ते होंगे, अलाउंसेज को हम क्या कहेंगे, भत्ते, ये जो भत्ते होंगे यानी कि जो अलाउंसेज होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, मॉनिटरी होते हैं, यानी कि वो हमेशा कीमत लेवल के होते हैं, यानी कि जैसे पैसों के रूप में होते हैं, कैश में होते हैं, ठीक है ना, जैसे HRA हुआ या एजुकेशनल अलाउंस हुआ या मेडिकल अलाउंस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी जगह अगर परक्यूसाइट्स की बात करें तो परक्यूसाइट्स आर इन एडिशनल मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, परक्यूसाइट्स जो हो सकते हैं वो मॉनिटरी भी हो सकते हैं यानी कि कैश में भी हो सकते हैं, पैसे के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सुविधा के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए फूड या हेल्पर की फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से होगी, या मेडिकल सेवाएं कंपनी के बताए पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ही होगी, जैसे मान लीजिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को लिस्ट बता दी कि भैया ये 5 हॉस्पिटल्स हैं, इनमें अगर आप चेकअप कराओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, ठीक है, तो वो उन आप केवल उन 5 में कराओगे तो ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, अदरवाइज नहीं, तो बाहर अगर आप जाके कराते हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है परक्यूसाइट्स में दोनों चीज़ें शामिल हो गई, मॉनिटरी जो आपके लाभ है वो भी शामिल हो गए, नॉन मॉनिटरी आपके बेनिफिट्स है वो भी इसमें शामिल हो गए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ और आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, मान लीजिए कंपनी ने रहने को घर दे दिया, एजुकेशन फैसिलिटी ही पर्टिकुलर स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स कंपनी ने बता दी कि भैया ये 10 स्कूल्स हैं, इनके नाम है, अगर आप अपने वार्ड्स को इन स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो फिर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो इस तरीके की सुविधाएं कंपनी दे सकती है, वो परक्यूसाइट्स में अवेलेबल होती है, मेडिकल फैसिलिटी की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और टैक्सेबल कैसे होती है, कैलकुलेटेड एज पर रूल्स, जैसे जैसे टैक्स स्लेब के रूल्स होते हैं वैसे ही टैक्सेबल होगी।
यहाँ मैंने टाइप्स ऑफ पर्कोसाइट्स लिखा है। देखिए तीन तरीके के में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ज़्यादा आप लोगों को इसको मोटा मोटे तौर पे लर्न कर लेना है, ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे टैक्स फ्री पर्कोसाइट्स होती है जो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, जैसे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ और रीएम्बर्समेंट कुछ कंडीशन के साथ में होते हैं ये टैक्स फ्री, ठीक है। ट्रेनिंग या एक्सीडेंट पॉलिसी या टेलीफोन मोबाइल फ़ोन ये सब टैक्स फ्री पर्कोसाइट्स में आते हैं। टैक्सेबल फॉर ऑल जो सभी के लिए टैक्सेबल होंगे। और तीसरी इसकी जो है थर्ड कैटेगरी वो है टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, यानी कि ऐसी सुविधाएं जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है और किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। अभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, देखिए यहाँ हमने क्या किया है, पर्कोसाइट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो हमने रख दी कुछ सुविधाएँ टैक्स फ्री, ठीक है, कुछ पर्कोसाइट्स टैक्स फ्री। दूसरे हमने देख दिए कि सभी को, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, सभी को जो ये सुविधाएँ उपभोग कर रहा है टैक्स देना ही पड़ेगा। और तीसरा हमने ये कैटेगरी रख दी जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होगा ज़रा उसको हम यहाँ देखते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से कोई भी, जैसे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का निदेशक भी हो सकता है, या फिर कैरिंग एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, जिसके पास कम से कम 20% मतदान की शक्ति हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका बेसिक सैलरी, जिसका डीए मतलब डियरनेस अलाउंस जो है आपका महंगाई भत्ता प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस टैक्स अलाउंसेस माइनस डिडक्शंस, मतलब जितने ही सारी ऊपर चीज़ें मिलाकर इसमें से डिडक्शन माइनस कर दोगे, इन सबको माइनस करने के बाद में अंडर सेक्शन 16, ठीक है, इन सबको माइनस करने के बाद में सेक्शन 16 जो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जो डिडक्शन से संबंधित है ना, जितने भी कटौतियाँ होती है वेतन में से जो सेक्शन 16 के अंतर्गत होती है, उनमें से जो कटौतियाँ हैं इन सभी में से काटने के बाद में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो तो वो एम्प्लॉय कौन होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, और उस व्यक्ति को इन सभी सुविधाओं पर टैक्स चुकाना होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था पर्क्यूसाइट्स। फिर हम इस सेक्शन 17 का लास्ट पार्ट देखते हैं जो बात करता है प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी के बारे में, ठीक है ना। प्रॉफिट्स देखिए सामान्य तौर पर अगर हम इसका वर्डली मीनिंग देखें तो प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ है, बेनिफिट्स, ठीक है, कोई लाभ। और इन लिए ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, मीन्स सैलरी की जगह पर यदि कोई प्रॉफिट हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, सैलरी के स्थान पर ध्यान रखिए, ठीक है ना, सैलरी की जगह अगर हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर से तो उसे हम प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी में कहते हैं। अब प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, डेफिनेशन इसकी दे रखी है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, क्लियर। और वो डेफिनेशन आपको क्या बताती है, ये बताती है, ये कहती है कि इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, अब इसमें ये चीज़ें शामिल है। अब क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, तो यहाँ सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है किन किन चीज़ों को आप इसमें शामिल करेंगे। तो पहली चीज़ है आपकी द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एन असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट और इन कंपनसेशन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अर्थात देखिए वर्तमान नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता, पूर्व नियोक्ता मीन्स कभी पहले जो आपका एम्प्लॉयर था ना उससे, उसके द्वारा सेवाओं की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। अगर आपकी सेवाओं को टर्मिनेट किया जा रहा है या पहले किया जा चुका है और आपको आपकी सर्विस टर्मिनेट करने के एवज में अगर कोई क्षतिपूर्ति राशि दी गई है अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन, तो वो ऐसी क्षतिपूर्ति राशि जो है वो यहाँ पर 17(3) में शामिल होगी, क्लियर। सेकेंड पॉइंट द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी From his employer or former employer at or in connection with the modification of the terms and conditions of employment, यानी यदि employer या former employer अपने employee की सेवा शर्तों में कुछ परिवर्तन करना चाह रहा है और उसने परिवर्तन कर दिया, जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी कम कर देता है या फिर उसके जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर इन सब के एवज में, अब जैसे मान लीजिए आप वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए एम्प्लॉय की या उसकी सैलरी कम कर दी गई, इसके एवज में जो क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है वो भी प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी कहलाती है, क्लियर हो गई बात। और ऐसी राशि भी 17(3) में शामिल होगी। थर्ड एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कोई किसी भी प्रकार का नियोक्ता द्वारा कोई भी राशि, चाहे वह किसी भी नाम से हो, वह प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी है, किंतु इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो इसमें शामिल नहीं होगी, क्या क्या शामिल नहीं होगा इसमें, मतलब कोई सी भी राशि आप यहाँ शामिल कर सकते हैं जो कि
असेसी को प्राप्त हुई है उसके एम्प्लॉयर से, लेकिन जो यहाँ पर ए से लेकर जी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं ये, ठीक है, ये पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। देख लीजिए आप इसे, कौन कौन से पेमेंट शामिल नहीं होंगे, चाहे वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी हो, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, पेमेंट ऑफ HRA एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, तो ये जो सारे एग्जेम्पशन हैं ये सारे आपको प्रॉफिट्स इन ल्यू में शामिल नहीं करने हैं। आप इनको छोटा छोटा करके कीवर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सेक्शन लर्न करें, आप ऐसे ही कीवर्ड्स लर्न कर लें, जैसे कि पेमेंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन नहीं आएगा इसमें, पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट पेंशन कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या हुआ, छटनी करी आपकी है ना आपके नियोक्ता ने और छटनी के करने के एवज में आपके क्षतिपूर्ति दी, तो वो भी यहाँ शामिल नहीं होगी, या फिर कोई वार्षिकी फंड से आपने कोई पेमेंट कराया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसे ही पेमेंट फ्रॉम स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड वो यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, तो पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये भी यहाँ से इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ए से लेके जी पॉइंट जो है वो यहाँ इसमें शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार उपरोक्त सभी भुगतान जहाँ तक ऐसे भुगतानों को छूट है वहाँ तक के अतिरिक्त वह सब प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी में जोड़े जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि RPF में 12% तक छूट है और इसके बाद जैसे टोटल 14% है, आपने देखा था कि RPF में 12% तक है, RPF मीन्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक छूट है और इसके बाद जैसे टोटल मान लीजिए 14% है, तो बाकी का 14-12, 2% जो होगा वो प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी के रूप में शामिल किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय अपने कुछ पेंशन एक साथ प्राप्त करता है उसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं, और जो पार्ट वह हर महीने प्राप्त करता है उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि मैंने पीछे पॉइंट में ये लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कि एनी पेमेंट फ्रॉम अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और सच अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द असेसी और इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए URPF यानी कि अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट होता है वह यहां प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी में शामिल नहीं होगा, एम्प्लॉय का शामिल नहीं होगा। आपको यह चीज इसमें ध्यान रखनी है, केवल और केवल एम्प्लॉय का शामिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट होता है वो यहां शामिल होगा, तो यहां पर मैं इसे फुल्ली लिख देती हूं, एम्प्लॉय का तो शामिल नहीं करेंगे बल्कि जो एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा URPF में वो यहां पर प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी के रूप में माना जाएगा और 17(3) में शामिल होगा, क्लियर। फिर एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, ये जो अगर है किसी प्रकार की कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है तो वो भी यहां पर कंपनी की तरफ से तो वो भी प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी में शामिल होगी एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, ये हो गया। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम और अदरवाइज प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयमेंट से पहले या बाद में दिया गया कोई भी अमाउंट जो है ना, ये इसको आप टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, यानी प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी अमाउंट अगर दिया गया है तो वो भी प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी में शामिल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, और हमने इस तरह से एक मेन पार्ट जो है सैलरी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब केवल और केवल हमारे पास सेक्शन 16 है जो डिडक्शन से रिलेटेड है, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि आप लोग जो है वो टैक्सेशन को लगातार से पढ़ते रहे, जितने वीडियोस मैंने अब तक डाले हैं उनको आप अच्छे से देखें, कोई क्वेरी या कुछ हो तो आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।